बिस्तर में लंबे समय तक चलने के लिए कौन सी गोली काम की है, इसके बारे में बार बार सवाल लोग करते रहते हैं। बिस्तर में लंबे समय तक चलना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है और 100 में से 30 पुरुष ये कंप्लेन करते हैं कि उनके लाइफ में अभी तक कभी ना कभी ऐसा हुआ कि उनको एक तो इरेक्शन नहीं आया, मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आई, फेल हो गए, या फिर जल्दी निकल गया, शीघ्र पतन हो गया और उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उससे हस्बैंड वाइफ भी पट नहीं रही, जम नहीं रही है, तो वो शीघ्र पतन है या अर्ली डिस्चार्ज है। अब लंबे समय तक चलना है तो आपको लेने पड़ेंगे तुरंत यदि चाहिए तो मेडिसिन्स, और आपको चलता है कि नहीं, काउंसलिंग करेंगे और आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, जड़ से निकालेंगे, तो फिर बिना दवाई का भी इलाज हो सकता है। दवाई आप बोलते हैं तो डेफिनेटली SSRI ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ काम की है, और उसके साथ साथ आप टाडालाफिल या सिल्डानाफिल लेते हैं तो बहुत काम की है। तो ये जो SSRI ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं उसमें डेपॉक्सिटिन और सिल्डेनाफिल ऐसे कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। डेपॉक्सिटिन SSRI है ये, एंड टाडालाफिल ये भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। मगर मैं क्या करता हूँ यूजली मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ये जो है दवाइयाँ इसके साथ साथ हम टाडालाफिल एडिशनल लेते हैं, क्योंकि उसमें टाडालाफिल का जो मात्रा है वो कम है, या सिल्डेनाफिल एडिशनल ले देते हैं ताकि फिर इरेक्शन अच्छा और अच्छा कठोर आए। ऐसे सारा है ये इसलिए होता है कि जल्दी निकल ना जाए। अब ये तो हो गया दवाई का, मगर इसके साथ साथ यदि आप अल्प्राजलाम या फिर उतने पुरता है रोज नहीं है या फिर आइमीप्रेमिन ऐसी दवाइयाँ उसके साथ में ऐड करते तो उससे भी डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। लोकल एनेस्थेटिक जो लिग्नोकेन या थायलोकेन के ऑइंटमेंट है 5% वाले वो लगा सकते हैं पूरे लिंग को, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक जेल्स रहते हैं वो लगा सकते हैं, एनेस्थेटाइज कंडोम्स मिलते हैं वो लगा सकते हैं। बेस्ट ये है कि दवाइयाँ, लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक ये आप करते हैं तो डेफिनेटली प्रीमैच इजैकुलेशन में फ़ायदा होगा। कठोरता, डेफिनेटली कठोरता आती नहीं है तो उसके लिए आपको जो टाडालाफिल और सिल्डेनाफिल है उससे फ़ायदा होने वाला है। तो ये दवाइयाँ आप लेते जाइए, ये दवाइयाँ लेकर भले ही थोड़े साइड इफेक्ट है मगर डेफिनेटली आपको ये फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि जब सवाल ये आता है कि इज्जत का सवाल है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और लाइफ एंड डेथ मतलब जो डिवोर्स हो जाएगा, परफॉर्म तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग हमारे पास में आते हैं ऐसे कि लड़की वाले आ गए, लड़के वाले आ गए, पाँच पाँच दस दस लोग आते हैं, बोले इनका कुछ हुआ ही नहीं, 1 महीना हो गया शादी को, बस हम अभी 1 या 2 दिन लड़की को रखेंगे ना तो लड़की को लेके जाएंगे। अब उसको 1 या 2 दिन के टाइम दिया हुआ है लड़के को, इतने प्रेशर में वो काम करेगा, इतने टेंशन में वो काम करेगा तो डेफिनेटली इरेक्शन नहीं आएगा, आएगा तो जल्दी निकल जाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग ये बहुत बड़ा रोल करता है, और काउंसलिंग के साथ साथ ये जो दवाइयाँ ये देते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ये जो दवाइयाँ हैं सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वरदानाफिल, एवानाफिल, ये दवाई ले लो, ये लंबे समय तक आपको लेकर जा सकती है अलॉन्ग विथ SSRI। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।